है, खुलिया नस्ल है। और नेट में जो रखे हुए ये कौन कौन सी नस्ल है, देखते हैं कितने किलो का ये मुर्गा है। जी कितने किलो? 2 किलो है, तो कांटे पे आ गए। ठीक है, इसकी आइस भी दिखाते हैं, आइस की क्वालिटी। जी इसके बारे में बताएं। ये गोल्डन ईगल के बच्चे हैं। गोल्डन ईगल के बच्चे हैं, कितने के? महीने तक ये अच्छा खासा बड़ा होता है, अभी 22 दिन का है। ये जो है ना, ये अफगानी मैना के बच्चे हैं। मार्केट में बहुत ऐसे बच्चे आते हैं कि वो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ेब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से आप व्यूअर्स को लेकर आए हैं सदर संडे बर्ड्स मार्केट में। यहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग कवरेज करते हैं हैन एंड रोस्टर के मुख्तलिफ बर्ड्स को कवर करते हैं। जो भी यहाँ पर बर्ड्स आते हैं मार्केट के अंदर, कवर करके आपको उनकी कीमतों से अपडेट देते हैं। तो आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, आप लोग को मार्केट का सर्वे करवाते हैं, ओवरव्यू दिखाते हैं और आपको बर्ड्स की कीमतों से अपडेट देते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे कुछ व्यूअर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से आप लोग? क्या नाम है आप लोग? हम्माद, सनी, फैसल। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? 3, 1, 7। माशाल्लाह। तो क्या आप लोगों ने रखा हुआ घर में, कौन कौन से पेट्स रखे हैं? हमने सिंदर, जावा, मुश्का सब नस्ल रखे, हीरा सब नस्ल हम लोग। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग के फ्यूचर ब्राइट करेगी। बताएं हमारे चैनल कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है हमारा चैनल। तो बकायद किसे देखते हैं हमारे चैनल को? ये यूट्यूब में जाते हैं, बोलते हैं कि मुर्गों के औसत दर्द गए तो उसमें आप लोग आ जाते हैं। अच्छा, चलें अल्लाह ताला आप लोग के फ्यूचर ब्राइट करें, आप लोग तरक्की दे। ठीक है, आमीन, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मास्क लगाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं जनाब? दुआ है। क्या लेकर आए मार्केट में? माल लेके आए देसी वाले यार। अच्छा, कितने कितने के चूज़े दे रहे हैं? ये चूज़े 600-700 रुपए के दाने बोल रहे, 500 रुपए में, 550 में दिए। अच्छा, 550-550 रुपए में दे रहे हैं। कौन कौन सी नस्लें इसके अंदर? जावा नस्ल है, फुलिया नस्ल है। और नेट में जो रखे हुए ये कौन कौन सी नस्ल है? अंदर वाली मिस्री भी हैं, देसी भी हैं। मिस्री अंडे वाली मुर्गियाँ नहीं होती है घर के लिए जो। ठीक है, ये बताएं कितने की दे रहे हैं मिस्री? मिस्री के बारे में बताएं, मिस्री कितने की दे रहे हैं? मिस्री 700-800 दाना है, अंडे वाले हैं। और चूज़ों के रेट क्या बता रहे हैं? चूज़े के 600-650 बोलते हैं, 500। ये बताएं एज कितनी है इनकी, उम्र? ये माना पटे है अभी, माना इनको 1.5 महीना 2 महीना, 1.5-2 महीने का है। ठीक है, आपका नाम क्या है? कानिया। अपना फ़ोन नंबर बता दें आप। फ़ोन नंबर तो बच्चे के पास होता है, मेरे को याद नहीं है। चलें कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। कोई मसला नहीं है। ये मसला वाला सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? ठीक है जी। ये बताएं कि आप तोल के हिसाब से बेच रहे हैं मुर्गियां और मुर्गे? जी जी। अच्छा, ये बताएं इसमें मिस्री जो है वो क्या किलो दे रहा है? मिस्री 500 रुपए, देसी 700 रुपए किलो होती। अच्छा, और इसके अलावा असील? असील एक नंबर वही होती है। कितने की क्या किलो चली असील? असील 700 रुपए किलो। 700 रुपए। और मिस्री के क्या रेट बताएं? मिस्री 500 में मिल जाएगी, कराची की होती है, सिंध की होती है असल देसी। अच्छा, मिस्री के 500 रुपए किलो है और असील 700 रुपए। कुछ कमी पेशी होगी इसमें? मैंने कहा इसमें कुछ गुंजाइश है। हाँ, 650-600 तक दे देते आखिरी फाइनल। इसके बता रहे हैं असील के? असील के। और मिस्री के? मिस्री 500 में दे देते असील। अच्छा, ये बताएं जो आप किलो के हिसाब से बेचते हैं ये अच्छी नस्ल के होते हैं या फिर ऐसी लोकल नस्ल के होते हैं? दो नंबर नस्ल होती है, इसी में से बनती है, ब्रीडिंग करवाते हैं। अच्छा, अच्छी नस्ल बेचते हैं आप? ये अच्छी नस्ल किलो के हिसाब से बेच रहे हैं? हाँ, किलो के हिसाब दे देते हैं। उसमें पालते हैं ना लोग, उसमें बच्चे निकलवाते हैं, फिर उसमें अच्छी नस्ल लगती है तो रख लेते हैं। अच्छा, एक अंदाजन पूछना चाहूँगा, असील का एक मुर्गा कितने किलो का होगा? कम से कम भी हमारे पास 2.5-3 किलो तक आता है। 2.5-3 किलो का एक मुर्गा, यानी कितने का पड़ेगा वो? पड़ेगा आपको 2,000-1,800 का पड़ेगा। एक वजन करा के दिखा दें। 3 किलो का नहीं, अभी हमारे पास 1.25 किलो। चलिए कोई सा भी कर, वजन करके दिखा दें। 2 किलो तक होगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इन्होंने एक तराजू रखा हुआ है जिस पे ये मुर्गियों का वज़न करते हैं, उसके बाद किलो के हिसाब से देते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं, देखते हैं कितने किलो का ये मुर्गा है। जी कितने किलो? 2 किलो है। 2 किलो है, 2 किलो से ऊपर ही है। 2 किलो 80 ग्राम। तो ये बताएं इसकी प्राइस कितनी हो गई, कीमत? ये 1450 का बना है। 1450 का बना है ये? 1450। ठीक है, एक मिस्री भी वज़न करके दिखा दें। 765 ग्राम।
तो अब हम मिश्री को वजन करने जा रहे हैं, देखते हैं मिश्री का क्या वेट निकलता है। तो ये 800 का बनेगा, डेढ़ एक किलो 600 ग्राम। अच्छा, एक किलो 600 ग्राम है, ये 800 रुपये का है मिश्री मुर्गा। ठीक है, चलें अपना नाम बता दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। नंबर नहीं है ये, नाम छीमा नाम है। अच्छा, सदर में किस जगह पे बैठे होते हैं आप लोग, ज़रा अपनी लोकेशन बता दें। यहीं भी होते रमोसन। तो व्यूअर्स, आप लोगों को लोकेशन बताया था, इम्प्रेसिव बिल्डिंग के साथ है, यहाँ पर आप लोग निकलेंगे इम्प्रेसिव बिल्डिंग के नीचे जो मार्केट लगी हुई है, इसी के साथ यहाँ पे किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। अगर कोई ख़रीदना चाहता है, ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? छीमा। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। ये बताएं, कौन सी नस्ल का मुर्गा लेकर आएगा मार्केट में? पंजाब नस्ल का, लॉन्ग हाइट का। अच्छा, पंजाब नस्ल है, लॉन्ग हेड में। हेड तो माशाल्लाह लंबा इसका। ठीक है, बताएं क्या मांग रहे हैं इसके आप? 6000 रुपये। 6000 रुपये? 6000। ठीक है, बताएगा वजन में कितना है? 3-4 किलो का होगा। 3-4 किलो उसका वजन है। और इसकी उम्र? 2.5-3 साल है। ठीक है, इसकी क्वालिटी चेक करा देगा, इसके पल्ले खोल के चेक करा देगा, मतलब इसके पर खोल के चेक करा देगा, इसके पंजे वगैरह चेक करा देगा। उम्र कितनी बताइए? 2.5-3 साल। 2.5-3 साल इसकी उम्र है, तो उसकी उम्र के हिसाब से कांटे पे आगा। ठीक है, इसकी आइस भी दिखा दें, आइस की क्वालिटी। ठीक है, बताएं फाइनल कितने का देंगे अगर कोई हमारा व्यूअर खरीदना चाहे? 4000 रुपये। 4000 में देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आपके पास सिर्फ एक ही मुर्गा, इसके अलावा भी और मौजूद हैं? और 10-12 मुर्गे और भी खड़े हुए हैं। तो कौन कौन से, उनके बारे में बता दें? लाखा है, मियाँ वाली, जावा है, बहुत सारे। ठीक है, कहाँ से लेकर आते हैं आप? सोलजा बाजार। ठीक है, आपका नाम क्या है? मोहसिन। अपना फ़ोन नंबर बता दें आप? 03218977374। अच्छा, हमारा व्यूअर कॉन्टैक्ट करें, कमी पेशी कर लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मार्केट में अहमद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, मालूम करते हैं कि सदर में क्या करने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सदर में कैसे भाई? भाई, ये आपके एक व्यूअर है, उन्होंने गाला का पेयर मंगवाया था, ये बच्चों का, तो ये उनको देने आया हूँ इंशाल्लाह। वो अभी बस पहुँच रहे हैं, फ़ोन आया उनका कि ट्रैफिक में कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है, बताएं इनकी एज कितनी है? इनकी एज तकरीबन 4-5 मंथ्स है। और डिमांड कितनी है इनकी? ये पेयर के 2.5 लाख रुपये हैं। 2.5 लाख रुपये पेयर? ये दे चुका हूँ मैं उनको। जी अहमद भाई, 2.5 लाख रुपये का आपने पेयर दिया? जी हाँ, ये 2.5 लाख रुपये का पेयर दे दिया इनको, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सौदा। अगर कोई व्यूअर चाहेगा तो आप व्यूअर के लिए भी 2.5 लाख रुपये का देंगे? जी इंशाल्लाह, 2.5 लाख रुपये का। आपके व्यूअर ही हैं जिन्होंने लिया है, और भी पेयर हैं इंशाल्लाह, वो दे देंगे। ठीक है अहमद भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। 03002440300। अच्छा, लास्ट में ये भी बता दें, गर्मी कैसी आज? ओहो, आज तो लू ने बुरा हाल कर दिया है, बुरा हाल कर दिया। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, बड़ी गर्मी। आमीन, आमीन। चलें, जज़ाकअल्लाह। आमीन, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, जुम्मा खान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे मालूम करते हैं इनकी शॉप पे आज क्या क्या मौजूद है, तो इनसे मुलाकात करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूं, खैरियत। अल्लाह का शुक्र। क्या क्या रखा हुआ है दुकान पे आपने? हर चीज़ पड़ा हुआ है, देख लो, ये सामने स्टरलॉक पड़ा हुआ है, फैंसी मुर्गी के बच्चे पड़े हुए हैं, फैंसी मुर्गी के बच्चे हैं, और कुछ नए आइटम भी आ रहे हैं, चकोर भी है। सुना है अकाब के बच्चे वगैरह भी हैं शायद, अकाब के शिकरे के? हाँ, वो गोल्डन ईगल है। गोल्डन ईगल है, चलें वो भी दिखाएंगे व्यूअर्स को। हाँ, वो भी दिखाते हैं, चकोर नज़र डालते हैं, व्यूअर्स को दिखाते हैं। जी, इसके बारे में बताएं, फ्लेल बैग के बारे में कितने की सेल कर रहे हैं? ये 1500 रुपये का है। 1500 रुपये की? ठीक है, इसकी उम्र कितनी है? 2 महीने उम्र है। बड़ा जोड़ा कम से कम ये 6500-7000 रुपये तक मिल रहे हैं। अच्छा जी, कुछ कमी पेशी होगी इसमें? इसमें क्या कम है, 1300 रुपये तक हो जाए। 1300 रुपये का देंगे एक दाना जी। जोड़ा नहीं आपके पास इसका? जोड़ा नहीं है, बड़ा जोड़ा तो बेच दिया, सिर्फ एक बच्चा बचा। ठीक है, इसके बराबर में ये क्या है, टर्की है क्या? टर्की पड़ा हुआ है। हाँ, ये पट्टे हैं टर्की के जी। कितने महीने के? ये अभी 2 महीने के हो गए। 2 महीने के? कितने कितने के सेल कर रहे हैं? ये 1800 रुपये का जोड़ा है। 1800 रुपये का जोड़ा है। और व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए 1500 तक हो जाएगा। 1500 रुपये तक हो जाएगा जी। जी, इसके बारे में बताएं। ये स्टरलॉप के बच्चे हैं। कितने महीने के? ये 1.5 महीने के। अच्छा, कितने कितने के सेल कर रहे हैं? 1500 रुपये जोड़ा है। 1500 रुपये की जोड़ी है। कुछ गुंजाइश होगी इसमें जोड़ी में? नहीं, बिल्कुल फाइनल है। ठीक है, इसके बारे में बताएं, जो मुर्गी है वाइट वाली, मुर्गा या मुर्गी है वाइट वाली? ये मुर्गी है। मुर्गी है ये जी। कौन सी नस्ल है? ये हीरा है, क्रॉस में। हीरा क्रॉस है ये। कितने की सेल कर रहे हैं? ये 2000 रुपये का। 2000 रुपये की मुर्गी दे रहे हैं। ठीक है, इसके बराबर में जो रखी वाली, ये वाली मुर्गी, ये असील मुर्गी है। ये कितने की है? ये भी 2000 रुपये का। 2000 रुपये की देना है, कुछ गुंजाइश नहीं है इसमें? 1700-1600। इसके सीने से पर कैसे ख़राब हो रहा है? ये बड़ा है ना, अंडों पे बैठे हुए ब्रीड कर चुका है जी। ये बेंटम के बच्चे हैं।
बैंटम के बच्चे हैं जी। कितने कितने के सेल कर रहे हैं? 1200 रुपये जोड़ा है। 1200 रुपये की जोड़ी है जी। कितने महीने के? ये अभी एक महीने का हो गया। एक महीने का। फाइनल कितने के देंगे? फाइनल तकरीबन 1000 रुपये तक हो जाएगा। 1000 रुपये की जोड़ी देंगे जी। अच्छा, वैक्सीन वगैरह हुई है इनको? अभी वैक्सीन हुआ है हाँ, तब भी हवा में रखो कुछ में रखो नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है जी। इसके बारे में बताएं। ये गोल्डन ईगल के बच्चे हैं। गोल्डन ईगल के बच्चे हैं। कितने कितने के हैं? 4000 रुपये का है। 4000 रुपये का जी एक बच्चा जी। अच्छा, अभी इसकी एज कितनी है? 28 दिन का है। और क्या खिलाते हैं इसको? इसको कलेजी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खिला देते हैं, उसको खुद ही खोल देता है ना। ठीक है, बताएं फाइनल कितने का देंगे? तकरीबन 3500 तक हो जाएगा। फाइनल 3500 रुपये का जी। कुछ मजीद गुंजाइश नहीं होगी इसमें? नहीं, बिल्कुल फाइनल तक आपके व्यूअर के लिए। ठीक है, तो एक जोड़ी आई हुई आप जी? दोनों नर हैं। दोनों नर हैं जी। जी इसके बारे में बताएं। ये इंडोनेशिया का हुदूद है। अच्छा जी। ये क्या सेल कर रहे हैं? 7000 रुपये का। 7000 रुपये का। बड़ा होकर अच्छा खासा बोलता भी है, उसकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, ये बताएं कि अभी पट्टा है? जी पट्टा है। ठीक है, तो इसको बड़े होने में और कितना टाइम लगेगा? तकरीबन महीने तक ये अच्छा खासा बड़ा होता है। ये अभी 22 दिन का है। अभी 22 दिन का ही है जी। अच्छा, काट भी रहा है? नहीं काट नहीं रहे, खुराक मांग रहा है। अच्छा, खुराक मांग रहा है जी। अच्छा, ये बताएं फाइनल कितने का देंगे? 6000 रुपये तक हो जाएगा। एक दाम आपके व्यूअर के लिए जी। क्या दिखा रहे हैं व्यूअर्स को? मैना के बच्चे देखो, अफगानी मैना के बच्चे। अफगानी मैना के बच्चे जी। ठीक है, वो भी देख लेते हैं जी। इसके बारे में बताएं। ये जो है ना, ये अफगानी मैना के बच्चे। मार्केट में बहुत ऐसे बच्चे आते हैं कि वो यहाँ के जो आज़ाद मैना होते हैं ना, वो होते हैं, उसके पाँव लाल होते हैं और चूँच भी लाल होता है। ये पीले वाला है, ये होता है बोलने वाला, अफगानी मैना है। अच्छा, तो कितने का सेल कर रहे हैं? एक बच्चा 1500 रुपये का है। इसका बड़ा वाला बोलने वाला तकरीबन 8000-9000 रुपये का है। अच्छा जी, एक बच्चा 1500 रुपये का। कुछ कमी बेची गुंजाइश व्यूअर्स के लिए? तकरीबन ये 1500 तक ही है। 1500 रुपये तक ही है। ठीक है जी। यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉब है, इनके बारे में बताएं, इनकी एज कितनी है? वही जोड़े है तकरीबन, ये 1500 तक जोड़ा है। एज कितनी है इनकी? 2 महीने के। 2 महीने के 1500 रुपये की जोड़ी है जी। जी कबूतर के बारे में बताएं। ये बड़ा जोड़ा है, उसका एक बच्चा है। जोड़ा आपको तकरीबन वीवर के लिए 2000 रुपये का तो अभी दे दिया, सेल हो गया। और इसका एक बच्चा जो है और रह गया, बच्चे के साथ 3000 रुपये तक जोड़ा है। बच्चे के साथ 3000 रुपये की जोड़ी है जी। कुछ कमी बेची इसमें? कमी बेची फाइनली है 2000 रुपये का। अच्छा, बड़ा जोड़ा दे दिया और बच्चा हाथ में बैठता है। अच्छा, ये बताएं बच्चा कितना बड़ा? बच्चा तकरीबन अभी 1 महीने का हो गया। शनाख्ती कार्ड बन गया बच्चे का? हाँ, NIC बन गया जी। चकोर के बारे में बताएं, लड़ाई वाला? ये मस्कती चकोर लड़ाई वाला है जी। मस्कती लड़ाई वाला जी, पहला नंबर क्रॉस है। ठीक है, बताएं कितने का सेल कर रहे हैं? ये 8000 रुपये का। 8000 रुपये का जी। कुछ गुंजाइश है इसमें? 7.5 तक हो जाएगा जब आप इनका नाम लेके। और इनके बारे में बताएं, ये जो पट्टे हैं? ये प्योर फार्मी का है। प्योर फार्मी है जी। 2500 रुपये का जोड़ा है। 2500 रुपये की जोड़ी है प्योर फार्मी जी। जी इस कबूतर के जोड़े के बारे में बताएं। ये 2000 रुपये जोड़ा है। कौन सी नस्ल है इसका? नहीं पता आपको जी? चले कोई बात नहीं, 2000 रुपये की जोड़ी बता रहे हैं जी। जी यहाँ पे मैं देखे जल भी आया हुआ, जल के बारे में बताएं। ये लुंडा जल है जी। ये लुंडा जल है, अभी आवाज शुरू किया हुआ है। कितने कितने की सेल कर रहे हैं? 2500 रुपये का एक है। 2500 रुपये का जी एक जी। इसके बारे में बताएं। जिसकी प्योर मस्कती है। इसकी टेल कहाँ गई? ये नर मादी है। ये अभी पट्टे है, कम उम्र का है। कम उम्र के जी। अच्छा, कितने के सेल कर रहे हैं? जोड़ा 55000 रुपये का है। एक ही दाम 55000 रुपये का जी। प्योर मस्कती है। प्योर मस्कती है जी। कुछ कमी पेशी गुंजाइश तो होनी चाहिए? फुल फाइनल 55000 रुपये आपके व्यूअर के लिए। व्यूअर के लिए कुछ करें? 50000 तक लग गया फिर भी नहीं दिया। अच्छा, 50000 लग गया आपने नहीं दिया? 55000 मांग रहे हैं। 55 आप व्यूअर्स के लिए बिल्कुल फाइनल जी। जी हरे मिट्टू के बारे में बताएं। ये ब्रीडर जोड़ा है और अपनी मर्जी से बोलता है, ब्रीड एक दफ़ा कर चुका है, बच्चे मैंने बेच दिया, जोड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, जोड़ा कितने का सेल कर रहे हैं? जोड़ा 12000 रुपये का एक ही दाम है। वैसे आम जोड़ा जो चाहे वो 8.5000 रुपये तक है। ये पड़ा हुआ नर पड़ा हुआ मादी बेच दें। अच्छा, ये वाला जोड़ा जो देखने कितने का देना फाइनल? ये 12000 रुपये का 11000 रुपये तक आपके व्यूअर के लिए होता है, बिल्कुल ब्रीडर फेयर है। ठीक है, जुम्मा खान अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें व्यूअर्स के साथ। 03168021059। उम्मीद करता हूँ व्यूवर कांटेक्ट करेंगे, आप कमी पेशी करके देंगे, गुंजाइश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे व्यूवर्स का ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफ़िज़।
तो व्यूवर्स, ये थी सदर बर्ड्स मार्केट की अपडेट। अगर आप लोग इसी तरीके से परिंदों की प्राइस से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इंशाल्लाह हमारी टीम नेक्स्ट संडे फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होगी। जब तक के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग को आप लोग के अहले खाना के साथ खुश रखे। आमीन। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।